हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने बच्चों के साथ। डियर पेरेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें अपने बच्चों को जूसेस ज़्यादा देने चाहिए या फ्रूट्स ज़्यादा देने चाहिए। देखिए, हम अपने बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं, हर पेरेंट्स और हर मदर की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ खिला दूँ, अगर मेरा बच्चा सब कुछ खा लेता है तो, ठीक है ना। तो हर माँ की यही रहती है, तो माँ अपने बच्चे को जूस भी देना चाहती है, माँ अपने बच्चे को फ्रूट्स भी देना चाहती है, और भी जो चीज़ बच्चा खा सकता है वो सब अपने बच्चे को माँ देना चाहती है। लेकिन मैं स्पेशली आज की इस वीडियो में ये बताऊँगी कि बच्चों के लिए जूस हार्मफुल है या मीन्स बच्चे को जूस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फ्रूट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, अब आप कहोगे मैम फ्रूट जैसे चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो या जूस जैसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो। नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जूस और फ्रूट्स में से बच्चे को हमें क्या देना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आज के टाइम में आपने है ना बहुत छोटे छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी होगी, जो प्रॉब्लम है कि बच्चे में भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स आप आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखने को आपको आराम से मिल जाएंगे। आप हैरान रह जाओगे कि इस एज ग्रुप में भी बच्चे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही होती है पेरेंट्स की। हम क्या करते हैं कि अगर आपका बच्चा जूस पी रहा है तो हम जूस दिए जा रहे हैं, हम ये भी नहीं देख रहे कि डेली जूस देना भी बच्चे के लिए, बच्चों के ही लिए नहीं बड़ों के लिए भी हार्मफुल होता है। देखिए, नो डाउट कि बड़े जो लोग होते हैं, हम जो लोग होते हैं, हम आराम से उस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा जूस लेना और ऐसे फ्रूट्स का जूस लेना जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हो, जो कि एकदम हमारे शुगर लेवल को हाई कर देते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें जो भी हम जूस ले रहे हैं बड़े सावधानी से लेने हैं। तो हो सकता है आप सही फ्रूट्स का चुनाव करें और उनका जूस पिएं जिनका कि शुगर लेवल कम रहता है, जिनको पीकर हमारे शुगर लेवल एकदम हाई नहीं होती। तो सेम पोजिशन हमें अपने बच्चों के साथ भी अपनाना है कि अगर हमारा बच्चा छोटा है तो हम उसको फ्रूट्स दें जूस के अलावा। देखिए, जूस में होता क्या है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सर्बिटॉल जो एक सब्सटेंस पाया जाता है उसकी मात्रा अधिक होती है, जो कि बच्चों में दस्त पैदा कर देता है। इसलिए हमें डेली अपने बच्चे को जूस नहीं देना चाहिए। आपको नहीं पता कि किस फ्रूट में ये चीज़ ज़्यादा है, कौन सा फ्रूट का जूस बच्चे को दस्त ज़्यादा कर देगा, तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे को जूस की जगह फ्रूट दीजिए। क्यों देंगे? देखिए, जूस हम अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि शुगर लेवल एकदम हाई हो जाती है, वो जल्दी से पच भी जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो जिन फ्रूट्स, जो भी आप फ्रूट्स का जूस अपने बच्चे को दे रहे हो, सपोज़ उस फ्रूट्स में सर्बिटॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, आपके बच्चे को दस्त कर देगा। दस्त के साथ साथ कुछ बच्चे को कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ जूस पीने से बच्चे का पेट एकदम भर जाता है, वो अगले 2-3 घंटे तक आपसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मांगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। वहीं आप यदि अपने बच्चे को जूस की बजाय फ्रूट दोगे तो बच्चे को फाइबर मिलेंगे, ठीक है, फाइबर मिलेंगे। उससे क्या हुआ कि वो जो बच्चे ने फ्रूट खाया है उसे पचाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो शुगर लेवल है वो बच्चे की भी नहीं बढ़ेगी, तो उसे जूस भी मिल रहा है, सारी चीज़ें भी उसको मिल रही हैं, उसको दस्त भी नहीं होगा, उसको गैस भी नहीं होगी, गैस की भी दिक्कत नहीं होगी, सर्बिटॉल की मात्रा भी ज़्यादा उसकी बॉडी में नहीं जाएगी, जिससे उसे लूज मोशन या पैचेस वगैरह नहीं होगा, और वो आराम से वो मीन्स एक टाइम लेगा और उस टाइम पीरियड में वो पच जाएगा और बच्चा आराम से फ्रेश होगा। होता क्या है कि जूस ज़्यादा पिलाने से बच्चे को मोशन हो जाते हैं, बच्चा बहुत वाटरी पॉटी करेगा, एक जो नॉर्मल पॉटी होती है वैसी बच्चे को नहीं आएगी, दस्त जैसी बच्चे को पॉटी आएगी। लेकिन अगर आप बच्चे को फ्रूट दे रहे हो तो उसे जूस तो मिल ही रहा है, साथ में उसे फाइबर मिल रहा है, जिससे जो पॉटी है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पतली नहीं आएगी, अच्छी पॉटी आएगी, एक शेप में आएगी, जिससे कि बच्चे को उसे करने में भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चे का पेट भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये जो बच्चे को जूस के बजाय फ्रूट फ़ायदा करता है। तो आप खुद भी अगर जूस रेगुलर ले रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप रेगुलर ना लेकर धीरे, मतलब एक एक दिन छोड़कर करें, या फिर आप सही जानकारी फ्रूट्स के बारे में रखें कि किसमें सर्बिटॉल की मात्रा ज़्यादा है, फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा है, कौन सा फ्रूट बहुत जल्दी शुगर लेवल बढ़ा देता है, तो ये जानकारी रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रूट लें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को दें, तो जिससे क्या होगा, एक छोटी सी एज में बच्चे डायबिटिक हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है।
डायबिटीज़ होने का एक यही रीज़न नहीं है कि हम बच्चों को फ्रूट खिला रहे हैं, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा देते हैं, कैंडीज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऐसे चॉकलेट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम उसके खाने में स्वीट ऐड कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कोशिश आपको यही करनी है, जूस आप दे सकते हैं ऐसे फ्रूट्स जैसे आप अपने बच्चे को कीवी का दे सकते हैं, कीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, और वाटरमेलन का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बच्चे को आप फ्रूट ही ज़्यादा दें, फ्रूट ही ज़्यादा प्रीफर करें, तो बच्चे के पेट के लिए सही रहेगा, वो बच्चे को आराम से पच भी जाएगा, क्योंकि जूस बच्चा इतने अच्छे से नहीं पचा सकता, उसे लूज मोशन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जिन फ्रूट में सर्बिटोल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को दस्त कर देती हैं, तो वो बच्चे के लिए फिर उतना हेल्दी नहीं रहता जितना हेल्दी फ्रूट खिलाना बच्चे को रहता है, क्योंकि एक फाइबर भी बच्चे को मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है, सारी चीज़ें फ्रूट विटामिन्स भी बच्चे को अच्छे से मिल रहे हैं, और वो अच्छे से उसको पचा भी पा रहा है, तो यहाँ पर ये बेटर रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं अपने माइंड में ये करके बैठे हैं, माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि नहीं बच्चे को जूस ही देना चाहिए, मैं तो अपने बच्चे को डेली जूस देती हूँ, तो यहाँ पर आप गलत कर रही हैं। आप अपने बच्चे को जूस भी दीजिए, लेकिन कभी कभी फ्रूट आप डेली अपने बच्चे को खिलाइए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे नाशपाती में बहुत ज़्यादा सर्बिटॉल की मात्रा होती है नाशपाती के जूस में, तो वहाँ पर आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसे आप फ्रूट के तौर पर अपने बच्चे को दे सकती हैं, तो वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आई होप माई डियर मम्मी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जूस बच्चे को देना चाहिए या फ्रूट बच्चे को देना चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चे के साथ फॉलो करिए। आप अपने बच्चे को फ्रूट खिलाइए, वो हर तरीके से हेल्दी रहता है, बच्चे के स्वास्थ्य के लीए, बच्चे के हेल्थ के लिए। ओके, तो डियर मॉमीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय।